हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेंगलोर एयरपोर्ट में हैं, तो आगे चलिए मैं दिखाती हूँ आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। अभी हम बोर्डिंग पास के लिए खड़े हुए हैं। बोर्डिंग पास रेडी। अभी हम लोगों का चेकिंग होने वाला है, तो हम लोग क्यू में खड़े हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे गेट के पास जहां हमारा फ्लाइट आने वाला है। हम बहुत जल्दी आके एयरपोर्ट में पहुंच गए थे। हमारे पास 2 घंटा और टाइम है, तो हम लोग थोड़ा शॉपिंग के लिए निकल गए। यहाँ बहुत सारे चीज़ें था, देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे चाहिए था चिप्स और थोड़ा कोकोनट पानी, तो मैंने ले ली। हमारा बोर्डिंग टाइम आ गया, तो मैं जा रही हूँ अंदर। अब हम हमारी सीट में सेटल हो गए हैं। टेक ऑफ से पहले थोड़ा बोर लग रहा था, तो मैं सोची ये इतना बड़ा फ्लाइट को मैं एक छोटा टॉय की तरह पकड़ के थोड़ा एक वीडियो लूँ, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। हम टेकअप करने वाले हैं और हमारा डेस्टिनेशन है माई होम टाउन ओडिशा। बाय बाय बेंगलोर, आई विल बी बैक सून। कुछ समय बाद हमारा स्नैक्स आ गया जो कि हम रिजर्व किए थे, और ये बहुत ही टेस्टी था। वन आवर 45 मिनट्स के बाद हम आ पहुँचे हैं ओडिशा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में।
अब हम एयरपोर्ट के बस में जा रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर। अब हम जा रहे हैं हमारा लगेज कलेक्ट करने के लिए। हमारा लगेज कलेक्ट करने के बाद हम बाहर वेट कर रहे हैं हमारा डेजिग्नेटेड ड्राइवर को। तो हम निकल पड़े मेरे बुआ के घर की ओर। फ्रेंड्स, मेरे सात बुआ हैं और मैं जो बुआ के घर जा रही हूँ वो 6 नंबर वाली है, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। फ्रेंड्स, मेरे राइट साइड में मेरी बुआ हैं और लेफ्ट साइड में मेरी कजिन सिस्टर है। बहुत टायर्ड हो गए थे और मैं रात को वीडियो नहीं ले पाई, और नेक्स्ट मॉर्निंग का देखिए कितना अच्छा है। ये उनके घर के पास एक बहुत अच्छा नदी है जो कि बैतरणी नदी है, और हम उधर घूमने के लिए चले गए थे। इतना अच्छा लगा। ये आनंदपुर टाउन का बड़दंडो रोड है। यहाँ से हम जा रहे हैं मेरी 4 नंबर वाली बुआ के घर में, जो कि आनंदपुर में ही रहती है। ऑन द वे हम लोग शुगर केन जूस का मजा ले लिए, और ये है मेरी 4 नंबर वाली बुआ जिनके हाथ में मैं बड़ी हुई हूँ। हमारा ओडिशा का ट्रेडिशन है, घर आए हुए लड़की को थोड़ा आलता और नेल पॉलिश लगाते हैं क्योंकि। और हम निकल पड़े मेरी मम्मी के यहाँ। अब हम जा रहे हैं आनंदपुर टू कोरंजिया। ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ वो मेरा सबसे छोटा भाई है, और जो मेरे पास बेटा है वो मेरा कजिन ब्रदर है। और हमारा डिनर खाने के लिए टाइम हो चुका था, इसीलिए मैं और मेरी भतीजी मिलके सब खा रहे हैं। मेरी मम्मी के यहाँ दो पेट है, एक मोची और लूसी। मोची उसकी माँ है। 3 साल पहले मेरी मम्मी के यहाँ मोची को मैंने ही रेस्क्यू की थी, और अब वो देखिए माँ बच्चा को देखे बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे गार्डन में मुझे वेलकम करने के लिए एक नया मेहमान आया था, और फ्रेंड्स ये जो नया मेहमान है उसका नाम क्या दे जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। और फ्रेंड्स ये है मेरी प्यारी माँ जो कि मुझे बहुत प्यार करती है। फ्रेंड्स हम लोग 5 भाई बहन है, ये 3 नंबर है, और ये एक आर्टिस्ट है जो कि बहुत अच्छा आर्ट करता है, उसका यूट्यूब चैनल भी है, और मैं उसका जो यूट्यूब चैनल का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।
और ये है मेरा कजिन ब्रदर का बेटा जो कि मुझे मिलने के लिए आया था। ये दोनों का खेल देख के मुझे बहुत ही खुश लग रहा था। और फ्रेंड्स, मैं आई थी सिर्फ 4 दिन के लिए ओडिशा और मुझे बहुत थकान हो चुका था, तो आज मैं कुछ भी वीडियो ले नहीं पाई। और नेक्स्ट डे हमको निकलना था हमारा बेंगलोर के ओर। रास्ते से थोड़ा हम ओडिशा का स्वीट छेनापोड़ो जो कि बहुत फेवरेट है हम लेके आए। और ये है मेरा छोटा भाई जो कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया था। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वाला वीडियो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तक के लिए टेक केयर, बाय।